A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Achievers में. मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 23rd of February 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को. एज यूजुअल हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपके आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो डोंट स्किप द वीडियो गाइज. वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. ओके एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है उनको पता है. ओके सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका मन है तो. ठीक है एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स. आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. विच स्टेट विल प्रेजेंट द फर्स्ट पेपरलेस बजट रिसेंटली. इसका राइट आंसर होगा यूपी. ठीक है यूपी यूपी में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है पहला पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. ओके फर्स्ट पेपरलेस बजट बाई विच स्टेट, दैट इज़ यूपी. ओके याद रखिएगा अभी हम लोगों ने देखा था बजट जो पेश किया गया था हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वो भी पेपरलेस बजट पेश किया गया था. ओके डिजिटली पेश किया गया था राइट. तो ये भी याद रखिएगा किस स्टेट के द्वारा फर्स्ट पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. ओके योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं. उनके द्वारा उनके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में पहला पेपर लिस्ट बजट जो है ये पेश की है, यानी करेगी नहीं ये की है. 22 फरवरी कल किया गया है. ओके उत्तर प्रदेश पेपर लिस्ट बजट पेश करने वाला पहला राज्य होगा. ऑल राइट नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में, कैपिटल लखनऊ हो गया, लार्जेस्ट सिटी कानपुर, गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल. ओके चीफ मिनिस्टर आप जान रहे हो योगी आदित्यनाथ. नेशनल पार्क देखिए उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क क्या हो गया, दुधवा नेशनल पार्क. ओके याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश. देखिए मैप पे देखिए उत्तर प्रदेश वैसा स्टेट है जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है. ओके देख लीजिए कौन कौन से स्टेट है, उत्तराखंड हो गए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार और एक यूटी दैट इज़ दिल्ली. ऑल राइट टोटल 9 रीजन स्टेट और यूटी से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन 23 फरवरी को 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे. यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन विल होल्ड हिज फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन 23rd February 2021. देखिए ये जो बिडेन यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन का ये पहला उनका पहला फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग होगा. ठीक है पहला द्विपक्षीय बैठक उनके द्वारा किया जाएगा 23 फरवरी आज के दिन किस राज्य के साथ, कनाडा के साथ. ठीक है कनाडा इसका राइट आंसर होगा. कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे. ओके उनके शासन उनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है अभी जनवरी से उसके बाद उनका ये फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग होगा. ओके कनाडा के बारे में देखिए कनाडा कैपिटल क्या है, ओटावा. कनाडा का कैपिटल ओटावा हो गया. करेंसी कैनेडियन डॉलर. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश एंड फ्रेंच. प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडेयू. ओके और लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट ऑफ कनाडा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटलांटिक महासागर पार करने वाले सबसे युवा एकल महिला कौन बनी है. हु बिकेम द यंगेस्ट सिंगल वुमेन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशियन. अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने वाली फर्स्ट यंगेस्ट सिंगल वुमेन जो हैं ये हैं जैस्मिन हैरिसन. ओके जैस्मिन हैरिसन जो हैं ये पहली युवा एकल महिला हैं बनी हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया है. ओके याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ब्रिटेन में उत्तर यॉर्कशायर की एक ब्रिटेन की है ये उत्तर यॉर्कशायर की एक 21 वर्षीय तैराकी शिक्षिका जैस्मिन हैरिसन जो हैं ये अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला हैं. वह 3000 मील कवर करने के बाद 70 दिन 3 घंटे और 38 मिनट टोटल जो है इनको 70 डेज लग गए. ठीक है 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट के बाद इन्होंने कैरेबियन में एंटीगुआ पहुंच गई. ओके तो ये सारी बातें इनके बारे में थी. ओके जैस्मिन हैरिसन के बारे में जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करके
युवा सबसे युवा एकल महिला बन गई है, ये है जैस्मिन हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात किया जाएगा? रिसेंटली विच स्टेट विल एक्सपोर्ट बुद्धा राइस टू सिंगापुर? ये इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है, उत्तर प्रदेश जो है ये सिंगापुर को बुद्धा राइस एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, बुद्धा राइस जो है इसे काला नमक चावल के नाम से भी ये फेमस है, इसका दूसरा नाम काला नमक चावल है, जिसकी यहाँ देखिए डेटा दिया गया है, जिसकी 20 टन जो है ये बुद्धा राइस का 20 टन चावल जो है इसे सिंगापुर को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाएगा सिंगापुर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप जेवर एयरपोर्ट एज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया? तो इसका राइट आंसर होगा अगेन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है ये जेवर हवाई अड्डे को, वहाँ का ये एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट ऑफ यूपी, इसको जो है एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में डेवलप करने की ये योजना बनाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, काफ़ी अच्छा स्टेप है ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जेवर हवाई अड्डे आपको याद रखना है, नहीं जेवर हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई गई है। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विंटर कार्निवाल का आयोजन हुआ? रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज द विंटर कार्निवाल ऑर्गेनाइज्ड? देखिए ये विंटर कार्निवाल जो है, विंटर कार्निवाल आपका लीजिए ये फेस्टिवल है। ठीक है, विंटर कार्निवाल का आयोजन जो है ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, यूटी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ले और कारगिल, ले और कारगिल, इस दोनों पर्टिकुलर रीजन में जो है यह विंटर कार्निवाल 2021 का आयोजन किया गया। ये 21 फरवरी को ही इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई इस कार्यक्रम की 21 फरवरी को। ओके, और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थान द्रास में आइस हॉकी मैच और प्रसिद्ध द्रौपदी कुंड मतयन में एक स्नो वॉक से हुई थी। ठीक है, नाउ लद्दाख के बारे में देखिए, इसे यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था इन 2019 में 31 अक्टूबर को इसे यूटी का स्टेटस दिया गया था। कैपिटल ले है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ओके, एंड ये देखिए जामयांग शेरिंग नामग्याल, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लद्दाख से। ओके, एंड नेशनल पार्क देख लीजिए, लद्दाख का नेशनल पार्क हो गया, हाँ यहाँ हो गया हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये आपका लद्दाख का हो गया। नाउ मैप पे देखिए, ये रहा लद्दाख आपका, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य, सॉरी हाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, हाल ही में कौन सा राज्य जो है ये दूसरे खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड खेलो इंडिया गेम्स रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक के द्वारा जो है सेकेंड खेलो इंडिया गेम्स का होस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के द्वारा। ओके, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका मेजबानी कर्नाटक के द्वारा की जाएगी। नाउ कर्नाटक के बारे में देखते हैं, कैपिटल बेंगलुरु एंड लार्जेस्ट सिटी ऑल्सो बेंगलुरु हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक में ये 30 है। ओके, पॉपुलेशन वाइज कर्नाटक का रैंक 8 नंबर पे है, आठवां जो है ये सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एंड एरिया वाइज 6 नंबर पे है। ऑल राइट, गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? बाइजू भाई पाला कर्नाटक के गवर्नर हो गए, एंड बीएस येदुरप्पा जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं। नाउ देखिए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क आपको एवरी स्टेट के बिल्कुल याद होने चाहिए, यहाँ पे डेली रिवीजन करवाया जाता है, जो भी स्टेट का क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड नेशनल पार्क आपको रिवीजन करवाए जाते हैं। सो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए नेशनल पार्क।
ठीक है। तो देखिए कर्नाटक का नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल एंड अंसी नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है आपके कर्नाटक के हो गए। ऑलराइट, नाउ मैप पे मूव करते हैं। मैप पे देखिए कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटक, ये देखिए यहाँ आई थिंक 6 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज़ गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। ये 6 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 1 करोड़ COVID-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज कौन सा देश बना है, हु हैज़ विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट कंट्री टू गिव 1 करोड़ कोविड वैक्सीन। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हियर। 1 करोड़ COVID-19 वैक्सीन देने वाला जो है ये दूसरा सबसे तेज देश बन गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया गया था इंडिया में। तो इंडिया जो है अमेरिका के बाद फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, तो अमेरिका के बाद जो है इंडिया दूसरा देश बन गया है सबसे तेज़ी से टीका लगाने के मामले में। ओके, अभी तक करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ठीक है। और ये भी 1 करोड़ जो है ये मात्र 34 दिनों में, मात्र 34 डे में जो है 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, ठीक है। और अमेरिका में 31 दिनों में, यूएसए में 31 दिनों में 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। ओके, तो इस वजह से जो है इंडिया सेकेंड नंबर पे है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। तो 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का जो खिताब है, सिंगल टाइटल जो है, ये मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया है, ठीक है। मनिका बत्रा ये टॉप टेबल टेनिस प्लेयर हैं इंडिया की, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है, मनिका बत्रा के द्वारा जो है जीता गया है 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। ओके, इम्पॉर्टेंट। और ये भी ध्यान रखिएगा, मनिका बत्रा जो हैं, मनिका बत्रा इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें 2020 में। ऑल राइट, नाउ ये है देखिए मनिका बत्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज़ इंडिया साइंड फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ मालदीव्स। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी सामुद्रिक सुरक्षा, ठीक है। तो सामुद्रिक सुरक्षा के लिए जो है भारत ने मालदीव के साथ मालदीव को कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, इसका राइट आंसर होगा 363 करोड़ रुपए, ठीक है। 363 करोड़ रुपए का समझौता किया गया, एग्रीमेंट किया गया है फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। समुद्री सुरक्षा के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है कितने करोड़ रुपए के, 363 करोड़ रुपए के। नाउ मालदीव के बारे में आप लोग बताइए इसका कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कैपिटल करेंसी एंड अभी वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके, सारे चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया गया है, वेन हैज़ द 6 डे खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड, इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी 2021। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है ये 6 दिनों का 6 दिवसीय ये महोत्सव है, ठीक है। तो इसे स्टार्ट किया गया है 21 फरवरी को ही, ठीक है। 21 फरवरी को इसे स्टार्ट किया गया है खजुराहो डांस फेस्टिवल को। अच्छा, खजुराहो डांस फेस्टिवल है तो ये कहाँ इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, खजुराहो टेंपल में, राइट। और खजुराहो टेंपल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेंपल जो है ये, और ये टेंपल जो है हमारा धरोहर भी है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हमारा इंडिया का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था, डिजिग्नेट किया गया था। एंड ये टेंपल जो है खजुराहो टेंपल, ये हिंदू मंदिर के साथ साथ हिंदू से रिलेटेड है, हिंदू
हिंदुइज्म से रिलेटेड है एंड हिंदू मंदिरों के साथ साथ जो है ये जैन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है. ओके तो हिंदू एंड जैन दोनों के लिए ये जो है खजुराहो मंदिर ये फेमस है. और ये महोत्सव के बारे में बात करें तो यह महोत्सव जो है ये 44 वर्षों के बाद मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है, आफ्टर 44 ईयर्स. और फेस्टिवल को, महोत्सव को आयोजित करने की अनुमति दी गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसकी अनुमति दी गई है. ऐसा क्यों किया गया, ASI के द्वारा ही क्यों अनुमति दिया गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी भारतीय धरोहर हैं उसके जो मैनेजमेंट का जो भी काम होता है ये ASI करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही किया जाता है जितने भी साइट हैं उसके मैनेजमेंट का काम. तो इसलिए जो है इस साइट में जो कि हमारा विश्व धरोहर है खजुराहो टेम्पल, यहाँ इस महोत्सव का आयोजन का अनुमति दिया गया. MP गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा जो है इसे इस महोत्सव को आयोजन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ओके और यह डांस फेस्टिवल जो है इसका आयोजन 46 साल पहले, करीब 46 ईयर अगो, 46 साल पहले 1974 में हेरिटेज और टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया था. ठीक है एंड नाउ 44 वर्षों के बाद जो है ये मंदिर परिसर में, इस मंदिर परिसर में इसे आयोजित किया गया है. ओके तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है खजुराहो डांस फेस्टिवल. एंड आप लोग बताइए रिसेंटली जो है कौन सी इंडिया की लेटेस्ट साइट है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है, घोषित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस खाड़ी देश ने महिलाओं के लिए सेना में भर्ती का रास्ता खोल दिया है? विच गल्फ कंट्री हैज रिसेंटली ओपन द वे फॉर वोमन टू ज्वाइन द आर्मी? करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरबिया. सऊदी अरबिया के द्वारा जो है रिसेंटली महिलाओं के लिए सेना में भर्ती होने के लिए रास्ता खोल दिया गया है. ठीक है, सऊदी अरबिया के द्वारा ये किया गया है. सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? रियाद. ओके रियाद इसका कैपिटल है एंड करेंसी क्या है? रियाल. सऊदी रियाल इसका करेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वर्चुअल टॉय फेस्टिवल की शुरुआत कब से होगी? व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल टॉय फेस्टिवल बिगिन? इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल टॉय फेस्टिवल जो है इसकी शुरुआत की जाएगी 27 फरवरी से. ठीक है, 27 फरवरी से ये इंडिया का, भारत का पहला टॉय फेस्टिवल होगी. ओके पहली बार राष्ट्रीय खिलौना मेला 27 फरवरी 2021 से शुरू होगा और यह जो है 2 मार्च तक इससे ये चलेगा. 2 मार्च को इसका समापन किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने शॉबी होविट्ज़र तोप सेना को प्रदान करके अपना करार पूरा कर लिया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज कंप्लीटेड इट्स एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग 100th होविट्ज़र कैनन टू द आर्मी? इसका राइट आंसर होगा LNT कंपनी. ठीक है, LNT कंपनी और आर्मी के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया था. ठीक है, फॉर होविट्ज़र तोप, तो ये एग्रीमेंट जो है इसे कंप्लीट किया गया है सॉवी होविट्ज़र तो प्रोवाइड करके LNT कंपनी के द्वारा आर्मी को ये एग्रीमेंट को कंप्लीट किया गया है. ठीक है, बात करें LNT कंपनी के बारे में तो देखिए ये इसका फुल नेम होता है लार्सेन एंड टर्बो लिमिटेड. ओके लार्सेन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी. ओके एंड कॉमनली नोन एज LNT. तो ये इंडिया की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. राइट, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई में है. मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है. इसके CEO हैं एस एन सुब्रमण्यम इसके CEO हो गए एंड इस कंपनी की फाउंडेशन की गई थी 1938 में, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी है. 1938 में इसकी फाउंडेशन की गई थी. एंड यस देखिए इसके चेयरमैन है अनिल, और ये देखिए यहाँ दिया गया है पिक्चर, इस तोप का कौन सा नेम क्या है? होविट्ज़र तोप. ये देखिए इस तोप के बारे में बात हो रही थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामा राव के बायोग्राफी पर आधारित पुस्तक मावेरिक मेशिया का लॉन्च किसने किया है? रिसेंटली हु लॉन्च द बुक मावेरिक मेशिया बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर NT रामा राव? तो ये बुक जो है जिसका नेम मैवरिक मेसिया है, ये बेस्ड है
फॉर्मर आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम एनटी रामा राव का ये बायोग्राफी है जिसे लॉन्च किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इस पुस्तक को, इस बुक को लॉन्च किया गया है, ओके याद रखिएगा। और इसके ऑथर जो हैं रामेश कांडूला जो हैं इसके ऑथर हैं, ऑथर नेम याद रखना है आपको, रामेश कांडूला ऑथर है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके द्वारा ये बुक को लिखा गया है, ठीक है, मैवरिक मिशिया, ये देखिए ये बुक को लॉन्च किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे कल का क्वेश्चन क्या था, शोधकर्ताओं को किस राज्य के भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। रिसर्चर्स हैव फाउंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल इन भीमबेटका इन विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, ओके। और इसके साथ साथ जो है देखिए आंसर किए हैं सनाया शर्मा, ब्यूटी आरपी सिंह, शुभम, जनसंख्या एंड आरपी सिंह राजपूत, ठीक है, तो इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। और ये देखिए ये जो है जनसंख्या जो भी है ये, और भी क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका भी आंसर इन्होंने दिया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, श्री पेमा खांडू, बी डी मिश्रा गवर्नर हो गए, एंड मिजोरम का के सीएम है श्री पू जोरमथांगा, गवर्नर श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, तो इसका भी आंसर देखिए। एंड यूएनएचआरसी के बारे में क्वेश्चन किया गया था, जिसे यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी फाउंडेशन कब की गई थी, 1950 में 14 दिसंबर को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, ओके, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और देखिए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था जो क्वेश्चन पूछा गया था। और भीमबेटका जो है इसे ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इंडिया का विश्व धरोहर है, जिसे डिजिग्नेट किया गया था इन 2003 में, इसे इस साइट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। ओके गाइज, वेल डन गाइज, थैंक यू सो मच, इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है देखिए, ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू की गई है, वेयर इज द ई कुबेर पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब, इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके साथ साथ जो भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इसका आंसर होगा, उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आप लोग को डिटेल्स में फैक्ट जो भी बताया जाता है वो आप लोग को बताना है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।